गुजरात के सूरत में एक ऐसा मामला सामने आया है जो लव जिहादियों के मंसूबों को खोल कर रख दे रहा है। सूरत के वेसू इलाके के एक हिंदू व्यापारी की 15 साल की बेटी को मुसेब जमशेद मनियार नाम के एक शख्स ने लव जिहाद में फंसा लिया। वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला है और वहां ऑटो रिक्शा चलाता है। गुजरात पुलिस ने जमशेद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जमशेद ने कट्टर मुस्लिम नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी बना रखी है। उसने सोशल मीडिया के जरिए 15 साल की नाबालिग हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। इसके बाद वो औरंगाबाद से सूरत पहुंचकर एक होटल में रुका और वहां उसने लड़की को अपने जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया। इसके बाद वो लड़की को लेकर फरार हो गया। वहां से वो लड़की को लेकर मुंबई चला गया। इसके बाद वो राजस्थान के अजमेर गया। अजमेर से महाराष्ट्र लौटने के दौरान ही सूरत पुलिस ने दोनों को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मुसेब जमशेद ने लड़की को अपने पास 15 दिन से रखा था। यार जो कोपरगांव महाराष्ट्र अहमदनगर का रहवासी है, जिसकी उम्र 21 साल है और वो एक गैरेज में, उसके मामा के गैरेज में मजदूरी करता है। सर, ये लड़की का इंस्टाग्राम से पहचान होने के बाद कभी रूबरू हुए कैसे, क्या आगे यहाँ से बात कैसे? प्राथमिक पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि पिछले जुलाई में एक दिन के लिए लड़का यहाँ पे आया था और फिर ये दो दिन पहले आया था। किस वजह से दो दिन पहले आया? वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था। जानकारी के मुताबिक लड़की 9वीं कक्षा की छात्रा है। वहीं आरोपी मुसीब की उम्र 22 साल है। लड़की के परिजनों ने वेसू थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। नाबालिग के परिवार की ओर से शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने दो टीमें बनाकर सक्रिय हो गई और आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया गया। छात्रा को बरामद करने के बाद उसे मेडिकल के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि जांच में रेप की पुष्टि होने के बाद आरोपी मुसेब के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला भी जोड़ा जाएगा। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर।